Mandal, and you're most welcome to my channel #facts. Let's learn, grow and shine together. Keep watching this video till the end. So let's get started. दोस्तों, हम सब अपने देश को बेहद चाहते हैं और हमेशा अपने सीने में देशभक्ति का जज्बा जगाए रखते हैं। ऐसे ही जज्बे की कहानी इंडिया के एक सिपाही राइफल मैन जसवंत सिंह रावत की है, जिनका की जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। दोस्तों, 1962 में जो इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें जसवंत सिंह रावत ने ये प्रूफ कर दिया कि इंडियन आर्मी में कितना दम होता है। दोस्तों, इस लड़ाई में जसवंत सिंह रावत अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का मुकाबला करते हैं और 300 सैनिकों को मार गिराते हैं और ऐसे उनको अरुणाचल प्रदेश को चाइना के टेक ओवर से बचाते हैं। दोस्तों, उनकी इस ब्रेवरी के लिए उनको महावीर चक्र दिया जाता है। सच में उनकी ब्रेवरी को सलाम। इंडियन आर्मी जय हिंद। अपने आप में ही अलग ही दुनिया है। यहाँ पे आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं और या तो नई नई जानकारी या आप #facts के थ्रू भी जान सकते हैं। ये हम सब जानते हैं कि YouTube अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है। फ्रेंड्स, YouTube एक अमेरिकन ऑनलाइन वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसका की हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। पर क्या आप ये जानते हैं कि YouTube पर सबसे पहला वीडियो कब शेयर किया गया था? YouTube की फर्स्ट वीडियो का टाइटल मी एट द ज़ू है, जिसको की 23 अप्रैल 2005 में अपलोड किया गया था और जिसकी लेंथ 19 सेकंड की है। फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप #facts को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आपसे कोई फैक्ट्स मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, कभी हाँ कभी ना वाली सिचुएशन आपने कभी ना कभी जरूर फेस की होगी। जब हमें ना कहना होता है तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जिसको कि शेकिंग करना कहते हैं, और अगर हाँ कहना होता है तो हम कुछ इस तरीके से करते हैं, जिसको कि नोडिंग करना कहते हैं। और ये चीज हमको चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जी ने 1872 में सिखाई थी। और क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ पे ये फेशियल जेस्चर का मीनिंग ही अपोजिट हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अल्बेनिया नाम की एक कंट्री ऐसी भी है जहाँ पे अगर आप अपना हेड शेक करते हैं तो उसको हाँ समझा जाएगा और अगर आप अपना हेड नॉड करते हैं तो उसको ना समझा जाता है। फ्रेंड्स, बोल्ड वर्ड सुनते ही हमारे आंखें एकदम चमक सी जाती है और हम सबको पसंद होता है सोना यानी कि गोल्ड। बट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये सोना यानी कि पीला इतना महंगा जो मेटल होता है वो कहाँ मिलता है, तो आप ऑब्वियसली कहेंगे कि ये गोल्ड माइंस या तो सोने की खदान में मिलता है ना दोस्तों। पर ये सुन के आप जरूर शॉक में आ जाएंगे कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो ये पीला कीमती सोना होता है ये हमारे समुद्र यानी कि ओशन वाटर में छिपा है, कि जैसे कि वो डिसॉल्व है। ओशन वाटर में गोल्ड डिसॉल्व है। इसकी डिस्कवरी सबसे पहले ब्रिटिश केमिस्ट थे, उनका नाम एडवर्ड सन्सडट था। उन्होंने 1872 में इसको डिस्कवर भी कर लिया था। नेशनल ओशन सर्विस कहती है कि हमारे धरती के समुद्र में लगभग 20 मिलियन पाउंड सोना डिसॉल्व है यानी कि छुपा हुआ है। दोस्तों, ये आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो जो डिसॉल्व सोना है समुद्र में, अगर इसको जितने भी हमारे पृथ्वी में अभी इंसान है अगर सबको बांट दिया जाए तो लगभग एक एक किलो हर किसी को मिल जाएगा। दोस्तों, मजे की बात यह है कि 1900 में एक लंदन की इन्वेस्टर थे जिनका नाम हेनरी क्ले बुल था। उन्होंने समुद्री वाटर से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने का एक तरीका भी निकाला था, पर हालांकि ये बाद में इतना इफेक्टिव ना होने की वजह से इसको काम पे नहीं लिया गया। दोस्तों, खाना खाने के शौकीन तो आप जरूर होंगे और बात अगर आपके फेवरेट डिश की हो तो आप उसको पेट भर के जरूर खाते हैं और इसी बीच में बेल्च यानी कि डकार आ ही जाती है। फ्रेंड्स, पर कभी आपने क्या इस बात पे गौर किया है कि हमारे खाना खाने के बाद ही बेल्च यानी डकार क्यों आती है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जो भी हम खाना खाते हैं जो कि सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म का होता है, स्टमक के अंदर जो गैस होती है वो उसे भारी होती है। ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो भी हम खाना खाते हैं वो भारी होने की वजह से हमारे स्टमक में नीचे बैठ जाती है और गैस हल्की होने की वजह से हमारे मुंह से बाहर निकल आती है, जिसको कि हम बर्फ यानी कि डकार कहते हैं। मजे की बात ये है दोस्तों, अगर आप एक स्पेस ट्रैवलर है या एस्ट्रोनॉट से और अपना फेवरेट खाना स्पेस में खाते हैं, फ्रेंड्स, स्पेस में ग्रेविटी की कमी होने की वजह से आपका खाना और एयर अलग नहीं हो पाता है, जिससे कि आपको डकार नहीं आता है। और अगर आप स्पेस में डकार लेने की कोशिश करते हैं तो आपका खाना भी बाहर आ सकता है, इसलिए स्पेस में नो डकार। फ्रेंड्स, फेसबुक की पॉपुलैरिटी के बारे में हम सब जानते हैं और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले इंडिया में ही 280 मिलियन फेसबुक यूजर्स हैं, जो कि वर्ल्ड में किसी भी अलग कंट्री से सबसे ज्यादा है। फेसबुक के फीचर्स से भी आप फैमिलियर होंगे, पर क्या आप ये जानते हैं कि एक ऐसा इंसान है, एक ऐसे इंसान की आईडी है जिसको कि आप चाह के भी ब्लॉक नहीं कर सकते? फ्रेंड्स, मार्क जुकरबर्ग जिन्होंने ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो आप उनको चाह के भी ब्लॉक नहीं कर सकते।
पर आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि दोस्तों आप हैशटैग फैक्ट के फेसबुक पेज को फॉलो करें और उसको ब्लॉक ना करें। फ्रेंड्स, साइंस तो हम सब ने कभी ना कभी जरूर पढ़ी होती है, और जब बात हमारे खुद की बॉडी की हो और उसके ऑर्गन के फंक्शंस की हो तो क्या कहना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे बॉडी का सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो जवाब में दो चीजें आ सकती हैं, या तो हार्ट या तो माइंड। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, जब बात आती है फंक्शंस की। फ्रेंड्स, साइंटिफिक रिसर्च से ये प्रूव हुआ है कि हमारा बॉडी का लीवर 500 फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो कि इसको सबसे बिजीएस्ट ऑर्गन बना देती है। हनी यानी कि शहद खाने में बहुत ही मीठा और अपने आप में बहुत ही टेस्टी होता है, और ये शुगर का क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। पर क्या आप ये जानते कि यही टेस्टी हनी सालों साल स्पॉइल यानी कि खराब क्यों नहीं होता है? दोस्तों, हनी में वाटर कंटेंट बहुत ही कम होता है, जिससे कि बैक्टीरिया और फंगी उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिल पाती है, और इस वजह से हनी सेफ रहता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना हनी जॉर्जिया में ऑयल पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन के वक्त मिला था। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये 5500 ईयर्स पुराना हनी है, जो कि आज तक भी सेफ है। फ्रेंड्स, इंसान हो या पेड़ पौधे, हाइट जो है अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाइट को ग्रोथ से रिजेंबल करके देखा जाता है। फिर चाहे बात टॉलेस्ट स्टैचू की हो या टॉलेस्ट मैन की, हम हमेशा बात करते रहते हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारे दुनिया में सबसे बड़ा पेड़ अब तक का कौन सा पाया गया है और वो कहाँ पाया जाता है? दोस्तों, दुनिया का सबसे टॉलेस्ट पेड़ रेडवुड नेशनल पार्क कैलिफोर्निया के जंगलों में पाया जाता है, और इनकी औसतन हाइट 300 फीट यानी कि लगभग 91 मीटर होती है। इन्हीं में से एक पेड़ हाइपेरियन नाम का है, जो कि सबका रिकॉर्ड तोड़ के रख देती है, जिसकी की हाइट 379 फीट है, जो कि वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट पेड़ इसको बना देती है। और अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो इसकी हाइट 115 मीटर आती है, जो कि अमेरिका के स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी बड़ी है। फ्रेंड्स, जब कभी संडे होता है और आप अपना फ्री टाइम निकाल के बाहर अपना फेवरेट आइसक्रीम खाने जाते हैं, तो ये आपका हॉलिडे और टेस्ट दोनों को ही बहुत ही डिलीशियस बना देता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ पे संडे को आइसक्रीम खाना और आइसक्रीम कोन को रखना महंगा पड़ सकता है? फ्रेंड्स, इस कंट्री का नाम जॉर्जिया है, जहाँ पे आप संडे को अपना फेवरेट आइसक्रीम कोन अपने बैक पॉकेट में नहीं रख सकते, ये बिल्कुल इलीगल माना जाता है। इस अजीब लॉ के पीछे का रीजन ये माना जाता है दोस्तों कि चोर अक्सर घोड़ों की चोरी करने के लिए ये तरीका अपनाते थे। Hey guys, thank you so much for supporting my first video. Keep loving, keep supporting. If you find this video interesting, then do like, subscribe and hit the bell icon not to miss any upcoming videos. Share it with your friends. I'll see you in next video. Till then, take care. Bye-bye.